Hi students, in today's class I am going to start pair of linear equations in two variables part 3. We are going to discuss algebraic method of solving pair of linear equations. There are basically three methods: substitution method, elimination method and cross multiplication method. In this part I am going to concentrate on substitution method. I am going to teach you substitution method. Pair of linear equations के algebraic methods जो हैं solving के लिए वो तीन होते हैं. एक होता है substitution method, दूसरा होता है elimination method और third है cross multiplication method. आज के इस part 3 में हम substitution method से किस तरह से pair of linear equations in two variables को solve कर सकते हैं वो discuss करेंगे. तो सीधे हम स्टार्ट करते हैं एग्जांपल से. आपके जो एनसीईआरटी की बुक है उसमें है एग्जांपल 7, सॉल्व द फॉलोइंग पेयर ऑफ इक्वेशंस बाय सब्स्टिट्यूशन मेथड. यहां पर दो इक्वेशंस दिए हैं. फर्स्ट इक्वेशन है 7x माइनस 15y इक्वल्स टू 2 और सेकंड इक्वेशन है x प्लस 2y इज इक्वल टू 3. अब इसे हम सॉल्व करना चाहते हैं सब्स्टिट्यूशन मेथड से. इसे हम ग्राफिकली भी सॉल्व कर सकते हैं लेकिन जो मेथड हम डिस्कस कर रहे हैं वो है सब्स्टिट्यूशन मेथड, इसलिए हम इसे सॉल्व करेंगे सब्स्टिट्यूशन मेथड से. वी पिक आइदर ऑफ द इक्वेशंस एंड राइट वन वेरिएबल इन टर्म्स ऑफ द अदर. हम बेसिकली इसमें क्या करेंगे, इनमें से कोई भी एक इक्वेशन ले लेंगे और उसमें एक वैल्यू को फाइंड आउट कर लेंगे, यानी कि एक वैल्यू उससे ले लेंगे. जैसे कि हम यहाँ पर चूज करते हैं इक्वेशन 2 जो है x प्लस 2y इक्वल्स टू 3. अब हम क्या करेंगे, 2y को RHS में ले लेंगे, LHS से RHS को शिफ्ट करेंगे. तो प्लस 2y है, RHS में आने के बाद ये हो जाएगा माइनस 2y. तो x इक्वल्स टू 3 माइनस 2y, ये हो गया हमारा इक्वेशन 3. तो सब्स्टिट्यूट हमने क्या कर लिया, x इज इक्वल्स टू 3 माइनस 2y, हमारा एक वैल्यू आ गया. x की वैल्यू कितनी है, 3 माइनस 2 इंटू वाई. अगर 3 में से 2 इंटू वाई माइनस करेंगे हम तो हमें x की वैल्यू मिल सकती है. अब हम क्या करेंगे, सब्स्टिट्यूट द वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन 1. इक्वेशन 1 में हम x की वैल्यू को सब्स्टिट्यूट करेंगे क्योंकि हमने 2 की वैल्यू में x लिया था, इक्वेशन 2 में x लिया था, तो हम इक्वेशन 1 में उसको सब्स्टिट्यूट करेंगे. तो हमारा इक्वेशन 1 है 7x माइनस 15y इक्वल्स टू 2. 7x माइनस 15y इक्वल्स टू 2. अगर हम यहां पर 7 के आगे x है तो यहां पर हमने जो x की वैल्यू ली थी x इक्वल्स टू 3 माइनस 2 वो डाल देंगे तो ये हो जाएगा 7 इंटू 7x, मतलब होता है 7 इंटू x, 7 इंटू 3 माइनस 2y माइनस 15y इक्वल्स टू 2. अब यहां पर मल्टीप्लाई करेंगे, 7 इंटू 3 हो जाता है 21 और 7 इंटू माइनस 2 अगर हम करें तो हो जाता है माइनस 14y. तो ये इक्वेशन हो गया 21 माइनस 14y माइनस 15y इक्वल्स टू 2. अब हम 21 को RHS में शिफ्ट करेंगे, 21 को हम RHS में ले लेंगे तो ये हो जाएगा और यहां पर करेंगे माइनस 14y माइनस 15y, तो माइनस 14y माइनस 59y हो जाता है 29y इक्वल्स टू 21 इस तरफ आ गया तो माइनस हो जाएगा 2 माइनस 21, तो ये हो जाएगा माइनस 29y इक्वल्स टू माइनस 19. अब दोनों इक्वेशंस में माइनस हैं तो ये माइनस कैंसिल हो जाएंगे और बन जाएंगे 29y इक्वल्स टू 19. अब हम क्या करेंगे, इस 29 को RHS में ले लेंगे, 29 इंटू वाई है तो इसीलिए ये हो जाएगा y इक्वल्स टू 19 डिवाइडेड बाय 29. तो y की वैल्यू हमें मिल गई 19 डिवाइडेड बाय 29. अब ये जो y की वैल्यू है हम इसको सब्स्टिट्यूट करेंगे इक्वेशन 3 में. इक्वेशन 3 हमारा क्या था, x इज इक्वल्स टू 3 माइनस 2y, x इज इक्वल्स टू 3 माइनस 2y, ये हमारा इक्वेशन 3 था. तो यहां पर y की जगह पे हम y की वैल्यू डालेंगे जो कि है 19 बाय 2. तो x इज इक्वल्स टू 3 माइनस 2 इंटू 19 बाय 29. तो ये इस तरह से हो जाएगा x इक्वल्स टू 3
माइनस 2 इंटू 19 हो जाएगा हमारा 38, 38 बाय 29। फिर आगे हम इसे अगर सॉल्व करें तो 29 LCM हो जाएगा 3 बाय 1 और इसका, और 29 इंटू 3 माइनस 38 करेंगे तो आंसर आएगा 49 बाय 29। हमारा आंसर हो गया 29 बाय 49। Therefore, the solution is x is equals to 29 by 49 and y is equals to 19 by 29. इस तरह से हम substitute method से we can find the values of x and y. That is variables. Now let's come to example 8. Example 8 क्या बोल रहा है? Solve question 1 of exercise 3.1 by method of substitution. Question 1 क्या है? Aftab tells his daughter, 7 years ago, I was 7 times as old as you were then. Also, 3 years from now, I shall be 3 times as old as you will be. तो ये आफ्ताब का था, हमने पार्ट 1 में इसको सॉल्व किया था. तो यहाँ पर हमारे इक्वेशंस बने थे. आफ्ताब क्या बोल रहा है? 7 years ago, मतलब s minus 7. अगर आज हम, आज की वैल्यू अगर हम s लें, तो वो हो जाएगा 7. Let S and T be the ages in years of Aftab and his daughter. Aftab के एज को हम ले रहे हैं as S और उसकी daughter की एज को हम ले रहे हैं as T. Aftab की एज हो गई S और उसके daughter की एज हो गई T. तो 7 years ago, Aftab की आज जो एज है उसमें से अगर 7 years minus करें तो 7 years ago हो जाता है. उसके daughter की एज कितनी थी? I was 7 times as old as you were. मतलब 7 into T minus 7. T minus 7 उसकी daughter की आज की जो एज है उसमें से 7 को माइनस करें और उसको मल्टीप्लाई करें. तो ये इक्वेशन बन जाता है S minus 7 equals to 7T minus 41. तो अगर इक्वेशन को हम पूरा सॉल्व कर लें तो जो RHS में उसको LHS में ले रहते हैं. 70 हो जाएगा minus 70 और minus 49 हो जाएगा plus 49. S minus 70 plus 49 minus 7 42. तो ये बन गया हमारा equation 1. और वो next कर रहा है also 3 years from now, आज से 3 साल बाद, यानी कि S plus 3. I shall be 3 times as old as you will be. मैं आपसे 3 गुना ज्यादा मेरी एज रहेगी, आपकी जितनी एज रहेगी उससे 3 गुना ज्यादा मेरी एज रहेगी, यानी कि t plus 3 into 3, 3 into t plus 3, फिर 3 into t 3t, 3 into 3 9 हो जाएगा यहां पर. अब इन दोनों को RHS से LHS में ले लेते हैं, तो ये हो जाएगा 7 minus 3t is equals to 9 minus 3, यानी कि 7 minus 3t is equals to 6. ये हमारा हो गया equation 2. Using equation 2 we get, अब हम क्या करेंगे, s is equals to minus 3t को इस तरफ ले लें तो plus 3t हो जाएगा, 3t plus 6, ये बन जाएगा हमारा equation 3. अब s की value को हम क्या करेंगे, जो equation 1 हमने बनाया था उसमें s की value को replace कर देंगे. अगर हम s की value को उसमें replace कर दें तो ये हो जाएगा 3t plus 6 minus 7t plus 42 is equals to 0. तो 3t minus 7t ये हो जाता है minus 4t और 42 plus 6 हो जाएगा plus 48 equals to 0. अब 48 को अगर हम इस तरफ ले ले तो ये हो जाएगा minus 4t equals to minus 48. तो माइनस माइनस यहां पे कट हो जाएंगे प्लस. 4 को इस तरफ ले तो डिवाइड हो जाता है, 4t is equals to 48 which gives t is equals to 12, यानी कि 48 डिवाइडेड बाय, अगर 4 करते हैं हम, 48 डिवाइडेड बाय 4 करेंगे तो आंसर मिलेगा 12. तो t यानी कि आफ्ताब के बेटी की आज की एज है 12. तो इस t को हम अगर इक्वेशन 2 में इसमें रिप्लेस करें तो क्या होगा, S minus 3 into 12 plus 6, यानी कि 3 into 12 हो जाता है 36, 36 plus 6 42, आफ्ताब की एज है 42, so आफ्ताब की एज 42 और उसके डॉटर की एज 12 years हो गई. अब देखते हैं example 9. Example 9 क्या बोल रहा है? Let us consider example 2 in section 3.2, that is
द कॉस्ट ऑफ टू पेंसिल्स एंड थ्री इरेजर्स इज 9. दो पेंसिल और तीन इरेजर की कीमत है 9 रुपये. एंड कॉस्ट ऑफ फोर पेंसिल्स एंड सिक्स इरेजर्स इज 18. और चार पेंसिल्स और छः इरेजर्स की कीमत है 18 रुपये. फाइंड द कॉस्ट ऑफ ईच पेंसिल एंड ईच इरेजर. हमें ईच पेंसिल और ईच इरेजर की कॉस्ट फाइंड आउट करना है. तो वहां पर हमने लीनियर इक्वेशंस बनाए थे 2x plus 3y is equals to 9 एंड 4x plus 6y is equals to 18. हम फर्स्ट इनको x की टर्म्स में करते हैं. तो x is equals to 3y इस तरफ आने के बाद माइनस 3y हो जाएगा और 2 यहां पर आने के बाद डिवाइड हो जाएगा. तो x is equals to 9 minus 3y upon 2. इस वैल्यू को हम इक्वेशन 2 में रिप्लेस करेंगे. इक्वेशन 2 क्या है? 4x. तो 4 इंटू 9 माइनस 3y अपॉन 2 प्लस 6 इक्वल्स टू 18. अब 2 यहां पे कट हो जाएगा, ये वाला 2 और ये 4 से कट हो जाएगा. तो यहां बचा 2. 2 इंटू 9 18 एंड 2 इंटू माइनस 3 6y प्लस 6y इज इक्वल्स टू 18. अब यहां पे माइनस 6y और प्लस 6y कट हो जाएंगे. तो आंसर आएगा 18 इक्वल्स टू 18. तो यहां पर क्या हो रहा है, दिस स्टेटमेंट इज ट्रू फॉर ऑल वैल्यूज ऑफ y. यहां पर हमारे ये स्टेटमेंट सभी y के वैल्यूज के लिए सही है. तो इसलिए हमें यहां पर कोई एग्जैक्ट सॉल्यूशन नहीं मिलेगा. तो इन्फिनेटली मैनी सॉल्यूशंस आ सकते हैं यहां पे. तो x की वैल्यू भी कुछ भी हो सकती है और t की वैल्यू भी y की वैल्यू भी कुछ हो सकती है. तो ये क्यों हो रहा है? क्योंकि अगर आप ये देखें तो दोनों इक्वेशन सेम है, 2x plus 3y. अगर इक्वेशन 2 को हम अगर 2 से डिवाइड कर लें तो 2 यहां पर 4 की जगह 2 बन जाएगा, 6 की जगह 3 बन जाएगा और 9 की जगह पे 18 बन जाएगा. ये दोनों लाइंस एक के ऊपर एक आ रहे हैं, इसीलिए ये हो जाता है एनी वैल्यू ऑफ x एंड y विल बी, आप अगर x और y की कुछ वैल्यूज डाल दें तो वो यही आंसर आएगा, क्योंकि दोनों इक्वेशंस आर ऑलमोस्ट सेम. अब देखते हैं एग्जांपल 10. एग्जांपल 10 हमारा क्या है, लेट अस कंसीडर एग्जांपल 3 ऑफ सेक्शन 3.2. टू रेल्स आर रिप्रेजेंटेड बाय इक्वेशंस. ये वाले इक्वेशंस है दो रेल्स के, x plus 2y minus 4 equals to 0, 2x plus 4y minus 12 equals to 0. ये हमारे पास दो इक्वेशंस है. विल द रेल्स क्रॉस ईच अदर. इसका सॉल्यूशन कैसे रहेगा? पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस ये हैं. We express x and y in terms of equation 1 to get. तो equation 1 में हम क्या करेंगे, x और y की वैल्यू को चेंजेस कर लेंगे. माइनस 4 है, इसको RHS में ले लेंगे, 4y हो जाएगा. और प्लस 2 RHS में आने के बाद 2y. तो x is equals to 4 minus 2y. x की वैल्यू कितनी है, 4 minus 2y. Now we substitute the value of x in equation 2. Equation 2 में हम x की वैल्यू को सब्सिट्यूट करेंगे. तो x equals to 4 minus 2y. यानी कि यहाँ पर हमने लिख लिया 2 into 4 minus 2y plus 4y minus 12 equals to 0. अब 2 into 4 हो जाएगा 8. 2 into minus 2y minus 4y. और यहाँ पर है 12. अब 4y minus 4y plus 4y कट हो जाएंगे. तो बचेगा क्या, 8 minus 12 is equals to 0. That is minus 4 is equals to 4. Which is a false statement. यह statement सही नहीं है. क्योंकि minus 4 equals to 0 नहीं होता. Minus 4 is not equal to 0. So we can say that the equations do not have a common solution. इन equations का कोई common solution नहीं है. इसलिए ये equations एक दूसरे को क्रॉस, यानी कि इनके जब लाइंस हम ग्राफ में बनाएंगे तो ये एक दूसरे को क्रॉस नहीं करेंगे. ये क्या हो जाएंगे, पैरेलल हो जाएंगे, पैरेलल रेल्स रहेंगे. तो ये था हमारा आज का टॉपिक, सब्स्टिट्यूशन मेथड से हम इक्वेशंस को अल्जेब्रिक मेथड्स में हमने आज किया सब्स्टिट्यूशन मेथड. अगली वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि एलिमिनेशन मेथड से हम कैसे इक्वेशंस को सॉल्व कर सकते हैं, जो कि थोड़ा सब्स्टिट्यूशन मेथड से इट इज लिटिल बिट ईजियर. समटाइम्स सब्स्टिट्यूशन मेथड कैन गेट टफर. So, if you like my videos, then please do share with your friends and subscribe to my channel so that you can get notification whenever I post new videos. Thank you.